हेलो जी, कैसे हो आप सब। तो आज हम बनाएंगे आलू टिक्की बर्गर, जिसके लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है हार्वेस्ट गोल्ड का आटा बन, जो कि प्री स्लाइस्ड है, ठीक है। और टिक्की के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ की है मैकेन की आलू टिक्की, जो कि फटाफट से बन के रेडी हो जाती है और खाने में बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी होती है। सैलेड के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है कैबेज यानी कि पत्ता गोभी, टमाटर और प्याज। टमाटर और प्याज को मैंने गोल गोल स्लाइसेस में कट कर लिया है। सॉस के लिए मैंने यहाँ पे लिया है घर की बनी हुई हरी चटनी। और मसाला यहाँ पे यूज़ करेंगे चाट मसाला, नॉर्मल चाट मसाला कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हैं। और टमाटो सॉस के लिए यहाँ पे यूज़ किया है किसान की नो अनियन नो गार्लिक सॉस। ऑल राइट, सो इंग्रेडिएंट्स आप एक बार दोबारा देख लीजिए, फिर हम इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। प्रिपरेशन में सबसे पहले बारी किस चीज़ की आएगी, टिक्की बनाने की। टिक्की हमारी पहले से फ्राई हो जाएगी तो बाकी का प्रोसेस तो सिंप्लीफाई अपने आप ही हो जाना है कि नहीं। चलिए, दो टिक्की हमने फ्राई करनी है, जिसके लिए हमारा ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है और उसमें हमने टिक्की को डाल दिया है और ये फटाफट से बन के रेडी हो जाती है। लीजिए, टिक्की हमारी बन के रेडी है ना, क्रिस्पी और मज़ेदार। चलिए, अब बंस के पैकेट को भी हम लोग ओपन कर लेते हैं और बंस मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ कितने सॉफ्ट बंस होते हैं। और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि इसके स्लाइसेस ऑलरेडी हो रखे होते हैं तो हमारा वो टाइम भी सेव हो जाता है। ये देखिए कितने सॉफ्ट बंस हैं एंड इट्स सो फ्रेश, है ना। चलिए, बंस हमने निकाल लिए हैं और बाकी का पैकेट हम साइड रख देते हैं। ये देखिए, एज आई सेड, प्री स्लाइस्ड, तो इसको आपने बीच में से स्लाइस करने की नीड ही नहीं है, ऑलरेडी स्लाइस्ड अप है, ठीक है। तो बस ओपन करके इसको प्लेस करते हैं और बर्गर बनाना शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग बन के एक स्लाइस पे, एक साइड पे हम लोग इसमें ग्रीन चटनी लगाएंगे। ये हमारी घर की बनी हुई धनिया पुदीने की हरी चटनी है, जिसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी चैनल पे शेयर की हुई है, आप उसको देख सकते हैं और घर पे बना के एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग इवनली स्प्रेड आउट करते हैं। आप बताइए, आपको जो पैक्ड बॉटल्स में जैसे ग्रीन चिली सॉस होती है या हरी चटनी नॉर्मली होती है वो आपको पसंद है, या घर पे बना के फ्रेश फ्रेश खानी पसंद है, मेरे को कमेंट्स में आप जरूर बताना, ठीक है। मेरे को पर्सनली फ्रेश ग्रीन चटनी पसंद है, जो हम घर पे बनाते हैं अपने अकॉर्डिंग। चलिए, अब ये हमारी ग्रीन चटनी अच्छे से दोनों स्लाइसेस पे लग चुकी है। अब हम इस पे प्लेस करेंगे सैलेड, जिसमें सबसे पहले मैं यहाँ पे लगाऊंगी कैबेज, जिसमें खूब सारा फाइबर होता है। आप बताइए, आपको ये जो पत्ता गोभी है इसकी सब्जी खाना पसंद है या एज अ सैलेड इसको रॉ खाना आप पसंद करते हैं, ये भी आप मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताना। पर्सनली मैं अपना बताऊँ तो मुझे रॉ फॉर्म में ये ज़्यादा पसंद है, ठीक है। चलिए, कैबेज हमने रख दी है, इस पे हम लोग कोई सा भी मसाला नहीं डालेंगे। बट अब ये जो हम टमाटो स्लाइसेस ले रहे हैं, जो हम इस कैबेज के ऊपर प्लेस कर रहे हैं, इसके ऊपर हम थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे, ठीक है। ये रहा हमारा चाट मसाला, इसको आपने थोड़ा थोड़ा स्प्रिंकल करना है क्योंकि अभी हमें इसको दो तीन बार और यूज़ करना है, तो बैलेंस्ड आउट रखने के लिए इसको ज़्यादा मत डालना एक बारी में, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, ठीक है। ये देखिए हमारी टिक्की कितनी क्रिस्पी है ना, आ रहा है ना मुंह में पानी। बट अभी नहीं खानी इसको, पहले बर्गर बन जाए तो बर्गर के साथ इंजॉय करेंगे, यानी कि बर्गर के अंदर प्लेस करके, ठीक है। चलिए, इसको थोड़ा सा प्रेस करके मैंने रखा है ताकि हमारी टिक्की जो है वो फिसले ना। अब अगेन हमने थोड़ा सा इस पे चाट मसाला स्प्रिंकल करना है ताकि ये और टेस्टी बने, ठीक है। चलो जी, चाट मसाला हमने टिक्कियों पे डाल दिया है, अब बारी आती है इस पे प्याज रखने की। ये जो प्याज के गोल गोल स्लाइसेस हमने कट किए हैं, ये भी हम टिक्की के ऊपर रख देते हैं और अगेन इस पे भी हम थोड़ा थोड़ा सा चाट मसाला डाल देंगे, ठीक है। ऑल राइट, अब हमारी बारी आती है टमाटो केचप यूज करने की। यहाँ मैंने यूज किया है किसान की नो अनियन नो गार्लिक टमाटो सॉस। इसको हम लोग बन, जो हमारा दूसरा स्लाइस है बन का, उसके ऊपर हम लोग डाल देते हैं। ऐसे ही हमने दोनों स्लाइसेस पे डाल के, जैसे हमने ग्रीन चटनी को इवनली स्प्रेड आउट किया था, अच्छे से फैला दिया था पूरे बन पे, वैसे ही हमने टमाटो केचप को भी अप्लाई कर देना है, ठीक है। और बताइए, आप
आपको घर का बना हुआ बर्गर अपने अकॉर्डिंग जिसमें आप चीज़ें डालते हैं वो आपको ज़्यादा पसंद है, या आप प्रेफर करते हैं कि आप बाहर से खरीद के खा लें बर्गर? बिकॉज आजकल तो कस्टमाइज बर्गर तो बाहर भी मिलते हैं, बट पर्सनली मुझे तो घर का बना हुआ बर्गर बहुत पसंद है। ठीक है, अब ये देखिए हमारी टमाटो केचप जो है वो लग चुकी है, तो सारा काम हमारा डन है। बस अब क्या करना है, इसको पैकिंग टाइम, इसको पैकअप करते हैं। और देखिए हमारा बर्गर बनके रेडी है, इसको आप ऐसे ही इंजॉय कर सकते हैं, बट मैं प्रेफर करती हूँ इसको ग्रिल करके खाना, तो वो और मज़ेदार हो जाता है। तो चलिए मैं फटाफट से इसको ग्रिल करके लेके आती हूँ। ऑल राइट, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बाय।